इलाहाबाद से हमें खलीलाबाद के लिए जाना है, लेकिन डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं, इसलिए सबसे पहले हमने चौरी चौरा एक्सप्रेस पकड़ लिया है, जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से चल चुकी है ट्रेन, और ये ट्रेन जो है गोरखपुर तक ही जाती है। ये प्रयागराज का 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते हैं। ट्रेन आगे बढ़ चुकी है और ये हमें लग रहा है कि रामबाग स्टेशन आने वाला है, उसी के पास का ये एरिया है। सुबह हो चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गोरखपुर स्टेशन। बंदर महाराज यहाँ पे जो है देखते हैं, खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं तबाही मचाए हुए हैं बंदर महाराज यहाँ पे। हम गोरखपुर पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम दूसरी ट्रेन के लिए देखेंगे। दूसरी ट्रेन में मैं आ चुका हूँ, जो कि निकल चुकी है गोरखपुर से खलीलाबाद के लिए। आप देख सकते हैं ये गोरखपुर की ट्रेन अब बाहर निकल रही है। के बाद जैसे ही ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती है तो हमारा एक स्टॉपेज पड़ता है डोमिनगढ़ स्टेशन, लेकिन ट्रेन ये रुकती नहीं है डोमिनगढ़ स्टेशन पे। स्टेशन को ये पार कर जाएगी, नॉन स्टॉप ट्रेन है ये राप्ती सागर एक्सप्रेस, यही ट्रेन मुझे मिली थी और मैं इसी में बैठ गया। टिकट मुझे मिला नहीं था। ये देखिए आप लोग, डोमिनगढ़ स्टेशन आ गया है, ये देख सकते हैं आप लोग डोमिनगढ़ स्टेशन ये है। ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉपेज है ही नहीं इसका। स्टेशन को पार कर गई है डोमिनगढ़, अब अगला स्टॉपेज हमें लग रहा है कि जगत बेला स्टेशन पड़ता है, छोटा सा वही होगा हमें लगता है। देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन पड़ता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये जगत बेला स्टेशन ही है, और यहाँ भी ट्रेन रुकेगी नहीं। यहाँ तो और तेज़ गति हो गई लग रहा है ट्रेन की, काफ़ी स्पीड हो गई ट्रेन, ये देख सकते हैं। आजकल सारे स्टेशन बड़े बन गए हैं, भले कोई छोटा स्टेशन ही हो। देखिए जगत बेला स्टेशन लिखा हुआ है वहाँ पे, दिख रहा है। बीच बीच में काफ़ी पुल भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये कौन सा सहजनवा स्टेशन आ गया है। ये सहजनवा स्टेशन तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया है गोरखपुर का। ये देखिए स्टेशन भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, स्टॉपेज यहाँ भी नहीं है ट्रेन का, ये रुकेगी नहीं ट्रेन लग रहा है। ये देखिए चीरती हुई निकल गई स्टेशन को, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही दिख रहा है। पीछे फैक्ट्रियाँ आप लोग को ट्रेन से बाहर दिख रही होंगी, ये देखिए पूरी फैक्ट्री है, ये सहजनवा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो यहाँ के
लोकल होंगे गोरखपुर खलीलाबाद के, वो जानते होंगे इसके बारे में। एक छोटा सा हाल्ट है, सीपार हाल्ट इसको कहते हैं, यहाँ तो रुकेगी ही नहीं, मगर स्टेशन के आसपास गाड़ी हमारी आ चुकी है इस समय। ये आप लोग देखें, मगर स्टेशन भी बाएं साइड तो कुछ बना ही नहीं है, राइट साइड में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन मैं ट्रेन के बाएं साइड बैठा हूँ। देखिए मगर मगर से ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। अब हमारा जो है अंतिम स्टॉपेज है ये खलीलाबाद, मुझे यहीं तक जाना है। देखिए आप लोग, खलीलाबाद स्टेशन ये दिख रहा है, ये ट्रेन खलीलाबाद पहुंच चुकी है, मुझे यहीं तक जाना है क्योंकि मैं यहीं पर ड्यूटी करता हूं। मैं गोरखपुर से राप्ती सागर को पकड़ा था और रात में कल मैं चोरी चोरा से गोरखपुर आया था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।